ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ಕಪ್ಪ ಬೇಕೆ ಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂಬಂದಿರೆ ನೆಂಟರೆ ಇಷ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ ಇವೇನು ಉತ್ತಿರೋ ಬಿತ್ತಿರೋ ಮೋಡ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ ಭೂಮಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ ಕೆಂಪು ಮೂತಿಯ ಕೋತಿಗಳೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ हमारा भाषा हमारा तिरंगा हमारा देश भारत इन सबके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। नमस्ते, आज मैं सानिका तुम सबको हमारा स्वतंत्रता के बारे में और उन धैर्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि उन धैर्य स्वतंत्रता सेनानियों के पीछे बहुत ही प्रभावित कहानियां हैं और आज मैं तुम सबको कुछ कहानियां सुनाना चाहती हूँ। जब 15 साल के चंद्रशेखर तिवारी को जेल में एक मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब उन्होंने उत्तर दी कि मेरा नाम आजाद है और मेरा पिता का नाम स्वतंत्रता है। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी को IAS का नौकरी भी मिली थी, पर उन्होंने वो नौकरी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं इन अंग्रेजों के लिए काम नहीं करूंगा। और इसके बाद उन्होंने ऐसी फौज तैयार की जिसने उन अंग्रेजों के नाक में दम कर रखी थी और वही था आजाद हिंद फौज। और इसके बाद लाल बाल पाल की तरह धैर्य स्वतंत्रता सेनानियों को कौन भूल सकता है। और इसके बाद महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चाचा नेहरू ने अहिंसा तत्व को सभी जगह फहरा दिया। अरे यही तो वही देश है जिसको पूरी दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी। और आज मेरा भाषण के अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम हमारा देश को सोने की चिड़िया फिर बना दे और हमारा देश का संस्कृति को कभी मत भूले, परंतु उसको जीवंत रखे। जय हिंद, जय भारत।